ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 15 जुलाई 1965। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं बरोबर हम कांटे से फूल। बन रहे हैं और बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। अभी तुम जो सुनते हो वो महावाक्य ही सुनते हो, क्योंकि ये वाक्य महानते महान ऊंचते ऊंचे हैं, हर एक बात में महान है। क्योंकि महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। अभी बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं, आगे तो हम हर बात में कांटे थे, हर कर्म इंद्रियों से एक दो के दुख ही देते थे। अब हम कर्म इंद्रियों से किसी को दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है और हरेक को सुखधाम का रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? कहेंगे श्रीमत पर। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है ना, यूं तो सभी को गुरु कह देते हैं। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता। उन्हों को देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख का वर्षा मिलता है, और वो वर्षा मिलते हुए भी पारलौकिक माँ बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको माता पिता भी नहीं कहेंगे। वो तो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं, उनको तो ब्रह्मा देवता ही नमः विष्णु देवता ही नमः ऐसे कह देते हैं। तो इतने सब बच्चे और किसी को तो माता पिता कह नहीं सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता नहीं कह सकते। ये पारलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, बहुत करके आशीर्वाद अथवा कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, बाप तो आकर के सहज राजयोग ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कहते हैं योग लगाओ और
उम्र बढ़ाओ। आशीर्वाद अथवा कृपा तो भक्ति मार्ग में ढेर करते हैं। एक दो को दृष्टि रखना, अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, परंतु वो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई रख ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि देखने से मनुष्य कोई देवता बन जाएंगे, नहीं। यहाँ तो ये पाठशाला है राजयोग की, सहज राजयोग है, और गुह्य तो गुह्य राज यहाँ समझाते हैं। यहाँ पाठशाला में तो पढ़ना होता है, नाम ही है गीता पाठशाला, उसमें सुनना होता है। वहां वो सब शास्त्र ही सुनाते हैं। शास्त्रों को कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये महिमा कोई शास्त्रों की नहीं है। गीता को भी ऐसे नहीं कहेंगे, ये महिमा तो एक बाप की ही है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, सो भी बाप जब मनुष्य तन में आए अपना परिचय देते हैं, तब तुम कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम जानते हो, पहले तो हम निराकार को गाते थे, अभी वो ही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा है ना, तो ये कुटुंब हुआ, ये ईश्वरीय कुटुंब है। अब इतनी बड़ी पाठशाला तो शहर से थोड़ी दूर होनी चाहिए, और यहाँ देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें तो चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम, और शांति धाम किसको कहा जाता है वो भी अभी तुम समझते हो, ये भी जानते हो कि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए, कोई ज्ञान तंतु नहीं है। आत्मा में मन बुद्धि है तो दो बातें हैं, आत्मा और शरीर। तो कोई भी समझ सकता है कि नाक कान आदि को तो शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को, आत्मा ही अशांत रहती है, आत्मा में ही अंदर सारा पार्ट भरा हुआ है, और वो पार्ट इमर्ज तब होता है जब आत्मा को शरीर मिलता है। तो आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। यह आत्मा एक रिकॉर्ड है, इस छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। शरीर मिलने से वो पार्ट बजावेगी, ये भी अभी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है,
और धर्मों में जो आत्माएं कन्वर्ट होती है अथवा कन्वर्ट नहीं भी होती हैं, उनमें 84 जन्मों का पार्ट नहीं हो सकता। और ये बात तुम अभी जानते हो, सतयुग में तो नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म मोलक, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो, क्योंकि मम्मा बाबा कहते हो ना। पहले अज्ञान काल में भी गाते थे तुम्हें माता च पिता, परंतु ये नहीं जानते थे कि ये महिमा किसकी है। पहले तो सब मूर्तियों के आगे जाए महिमा करते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। कब कब सन्यासियों के आगे भी जाकर के स्तुति करते हैं। अब देखो ये अंधश्रद्धा तो बहुत है। रावण ने सब की बुद्धि को बिल्कुल अंधा बना दिया। अब तुम बाप द्वारा सारे विश्व के आदि मध्यंत को जानते हो। मात पिता से सुख घनेरे का वर्षा भी ले रहे हो, और वो वर्षा भी प्रैक्टिकल में ले रहे हो। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद सत्युग में ही लेंगे। या तो तुम प्रैक्टिकल में पढ़ाई पढ़ते हो और प्रैक्टिकल में वर्षा लेते हो। अभी समझते हो, हम जो जन्म जन्मांतर शास्त्र आदि पढ़ते आए सब व्यर्थ गया और ही नीचे गिरते आए। कहेंगे ये भी ड्रामा में नूद है, भक्ति तो करनी ही है। न भक्ति बदलनी है न ज्ञान बदलना है। तो भक्ति की भी बड़ी भारी सामग्री है, अथाह वेद शास्त्र हैं, उनकी लिस्ट निकालो तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। 1567 की वाणी का दूसरा पेज तो देखो। देखो सारी दुनिया में अब क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि लगते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं बच्चे आधा कल्प तुम भक्ति करते करते थक गए हो, और इस पढ़ाई में तो बात थकने की बात ही नहीं है, इसमें तो तुमको और ही खुशी होती है, क्योंकि यहां तुम्हारी कमाई होती है और अनेक जन्मों की कमाई होती है। तो जब कमाई होती है तो उसमें कभी उवासी या झुटके तो नहीं आने चाहिए। अगर उबासी या झुटके आते हैं तो समझा जाता है कि धारणा कच्ची है, इनको नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इस याद की कमाई में तो थकना ही नहीं है। विवेक कहता है एक दिन तुमको अथक जरूर बनना है। पुरुषार्थ करते करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाए जावेंगे। अब जो भी पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ करने वालों की माला कितनी छोटी है, राजाओं की माला है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, प्रजा बहुत होती है। प्रजा तो बहुत बड़ी बनती है ना। एक राजा होगा लाखों की तादाद में प्रजा बन जाएगी। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं राजयोग सिखा करके राजा ही पाने का।
कहते हैं बच्चे फॉलो मदर फादर। और बच्चे तो ढेर हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे। क्यों? है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में अडॉप्शन होता है। प्रजापिता और साथ में ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा के तो तुम आत्मा बच्चे हो। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है और उनका पार्ट क्या है ये कोई को भी पता नहीं है। अभी तो तुम जानते हो शिव है ज्योति बिंदु का नाम। वो ज्योति बिंदु एक ही है जो अकर्ता भोक्ता है, परम धाम का रहने वाला है। इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो वो निराकार शिव साकार के साथ मिलकर शिव बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा कहते हैं कि मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है। ऐसे नहीं है कि मैं जो चाहूं सो करूं, नहीं, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। हमारा भी ड्रामा में जो पार्ट होगा वो ही चलेगा। इस पार्ट को बदलने सदलने की बात नहीं है, इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की भी बात नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की कैसे पालना करनी है। ज्ञान योग से ही पालना करनी है, क्योंकि तुम्हारी तो पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हैं बाबा, क्योंकि बाबा तो रचयिता ठहरा तो जरूर बाबा ही कहेंगे ना। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता आए हुए हैं, हमको राजयोग सिखलाए रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको अपना अपना करना है। परहेज के लिए भी समझाया जाता है कि अपवित्र चीज से परहेज रखो। अपवित्र कोई भी चीज खाना नहीं चाहिए, बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया तो समझेंगे बाबा ये सब कुछ आपका है। तो बाबा का सब कुछ समझकर चलते हैं तो वो जो भी खाते हैं सो गोया यज्ञ का ही है। समझते हैं हम ट्रस्टी हैं और हम यज्ञ का खाते हैं तो वो खाया हुआ सतोगुणी हो जाएगा। अगर अर्पण में नहीं है और अपन को ट्रस्टी नहीं समझते हैं तो फिर यज्ञ का तो नहीं हुआ। पहले तो अपन को ट्रस्टी समझना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं तो ट्रस्टी हूं। ऐसे तो मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है।
देवताओं की पूजा करते हैं, फिर समझते हैं कि उन्हों द्वारा ही मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। परंतु देने वाला तो सबको एक ही बाप है, सबका दाता एक ही है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर ईश्वर के पास ही करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ ईश्वर बाप के पास करते हो तो ये शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए, अच्छे कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। देने वाला तो ईश्वर ही है, ईश्वर अर्पण करते हैं ना, तो ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। भक्ति मार्ग में वो सब हो जाता है इनडायरेक्ट, क्योंकि वहां डायरेक्ट ईश्वर तो है नहीं, गुरुओं के थ्रू करते हैं, और यहां तो बाप डायरेक्ट आया हुआ है। परंतु उस परमपिता परमात्मा को तो जानते ही नहीं, तो जब जानते ही नहीं है तो फिर अर्पण भी कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहां तो तुम अपना सब कुछ अर्पण करते हो, तो बाप कहते हैं अपन को ट्रस्टी समझो, तुम जो भी खाते हो समझो हम शिव बाबा की यज्ञ से खाते हैं, और यज्ञ की संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगुणी भोग लगाए नहीं सकता, मंदिरों में भी शुद्ध भोग लगाते हैं ना, वहां तो वैष्णव ही रहते हैं, और यहां तो देखो सब भिखारी है। इस दुनिया में निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर कहां से आवे, लक्ष्मी नारायण के तो श्रेष्ठ शरीर हैं, ये भी जानते हो कि भ्रष्टाचार विकार को कहा जाता है, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, जिसको आधा कल्प पूरा पुकारा है, आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहां आवेंगे, जिन्होंने कम भक्ति की होगी वो तो और धर्मों में कन्वर्ट हो जावेंगे, जो बहुत तीखी भक्ति करते हैं वो ही यहां आते हैं। तो तुम बच्चों को फिर बहुत तीखा पुरुषार्थ उठाना है, थोड़े में राजी नहीं रहना है, कितनी कितनी तुमको पॉइंट्स दी जाती हैं समझाने के लिए, बूढ़ियां तो इतनी बातें नहीं समझ सकती। तो उनको फिर बाबा कहते हैं तुम सिर्फ ये किसी को समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय लो, तुमको पारलौकिक बाप का परिचय है, उस पारलौकिक बाप को याद करो, बोलो कि तुम भक्त हो, वो पारलौकिक बाप भगवान है, भगवान वाच है, मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम आ जावेंगे, मुक्ति धाम आ जावेंगे अर्थात इस बंधन की दुनिया से छूट जावेंगे, जन्म के बंधन से छूट जावेंगे, बुढ़ापे के बंधन से छूट जावेंगे, इस दुनिया के सारे ही बंधनों से छूट जावेंगे अर्थात मुक्त हो जावेंगे। कृष्ण कहेंगे कि मेरे धाम आ जावेंगे, परंतु कृष्ण के धाम जाने से पहले तो निर्वाण धाम में जाना पड़े,
तो बाप को याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकता कि मेरे निर्वाण धाम में आ जाओ, उनको थोड़ा ही वापस जाना है। और इस एक बात से कितना रोला हो गया है, कौन सी एक बात? कि गीता में भगवान का नाम कृष्ण डाल दिया है, तो इस एक बात से ही सारे शास्त्र झूठे हो गए। इसलिए पहले एक बात पर ही निश्चय कराओ। अच्छा, ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है 20-7-65 का। सर्विस करना सहज से सहज भी है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। जैसे याद सहज से सहज भी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर याद करेंगे तो, अगर आत्मिक स्थिति में स्थित न हुए, देहभान में रह करके याद किया तो कठिन भी हो जाती है। एक बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो सर्विस में सफलता नहीं मिलेगी, और सर्विस में सफलता नहीं मिलेगी तो पूरा खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। अज्ञान काल में गरीब का एडाप्ट करते हैं तो उनको बहुत खुशी का पारा चढ़ जाता है। यहां तो देखो, तुमको बाप एडाप्ट करते हैं, ऊंचते ऊंच बेहद का बाप, तो भी तुमको खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। समझना चाहिए कि अब हम कोई हद के बाप की संतान नहीं बने हैं, हम बेहद के बाप के संतान बने हैं। इन्होंने एडाप्ट किया है, किन्होंने? प्रजापिता ब्रह्मा ने एडाप्ट किया है। परमपिता कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो परमपिता कहते तो हैं परंतु याद टिकती नहीं। नहीं तो गरीब को साहूकार अडॉप्ट करे तो कब फारकती न देवे। यहां भी अडॉप्ट करते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलता है फिर भी छोड़ देते हैं। राम का बन करके 8-10 वर्ष भी पढ़ाई पढ़ते हैं फिर रावण के बन जाते हैं। तो ये भी एक वंडर है, हिम्मत नहीं रहती है याद करने की। कोई तो लिखा पढ़ी भी बहुत करते हैं, सर्विस भी बहुत अच्छी करते हैं, फिर भी माया से हराए देते। ऐसी जबरदस्त जादूगरनी माया है। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, सबके बच्चों के आगे प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। कौन से अपने बच्चे हैं और कौन से पराए बच्चे हैं?
मैं ज्ञान सूर्य हूं तो मेरे बच्चे कौन हैं? जो ज्ञान सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे बनते हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, वो मेरे बच्चे हैं जो आत्म की स्थिति को धारण करते हैं। बाकी जो देह भान में रहते हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और बाप अपनाए लेते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक के पीछे पड़ जाते हैं। बाप बच्चों से यहां सब कार्य कराते हैं। बाप आते ही हैं शुभ कार्य करने के लिए, रावण अशुभ कार्य कराते हैं। तुम जानते हो ये सारी दुनिया रावण की तरफ है और तुम राम की तरफ हो। राम जो भी कराते हैं वो शुभ ही कराते हैं। तो ये समझ होना चाहिए कि मैं शुभ कर्तव्य करता हूं या अशुभ कर्तव्य करता हूं। मिसाल के लिए तुम्हारे सामने चित्र भी रखे हैं। सतयुग में इन देवताओं से कब भी अशुभ कार्य नहीं होता है। किसको भी दुख नहीं देना, अशुभ कार्य नहीं करना है, उनसे विकर्म बन जाते हैं। तो फिर विकर्म बनाने की दरकार ही क्या है? ये भी जानते हो विकर्म बनता है तो दिल अंदर खाती रहती है। समझते हैं मैं अशुभ कार्य करती हूं, फिर भी अपने ऊपर ग्लानी नहीं होती है कि हम स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे, क्योंकि अपन को 21 जन्म के लिए घाटा लगाते हैं। रो रो करके क्षमा मांगनी चाहिए, बाबा हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। बाबा कहेंगे तुम अपना ही खाना खराब कर देते हो, अपन को फायदा डालना घाटा डालना कल्प कल्पांतर का बन जाता है। बाप को बताने से तुमको बहुत मदद मिलेगी। ये भी कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, मार्ग इतना अच्छा सहज है तो इस सहज मार्ग में कब किसी को दुख देने की दरकार नहीं है। तुम सुखदाम का मार्ग बताते रहो प्रेम से, मुख से रतन ही रतन निकलते रहे। ग्लानी नहीं करना, पत्थर नहीं निकालना। बाबा के लिए कोई कहे हमको दुख दिया तकलीफ दी तो वो तो हो नहीं सकता, कब भी नहीं। जानते भी हैं तो भी मैं कहता नहीं हूं, मुरली में समझा देता हूं। बाबा समझते हैं बतलाए देने से देरी नहीं करेंगे, अगर कुछ बतलावेंगे तो और ही डिसर्विस कर देंगे। तो ऐसा चांस क्यों देवे जो उल्टी सुल्टी बात बतलावे, किसी का अकल्याण कर दें। हमेशा मीठा ही मीठा बोलता हूं। अब जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करते रहो, कोई गुस्सा करे तो तुम शांत रहो। कोई के पिछाड़ी चटकना भी नहीं है, कह देना चाहिए हमारे पास टाइम नहीं है, अभी और कोई समय आना।
तुम्हारे इस समय आने का मुहूर्त नहीं है, तुम जानते हो कि अभी तुम सभी के डाढ़े से वर्षा ले रहे हो, तो उन्हें बताना चाहिए तुम भी आकर के वर्षा लो, एक एक की रग देखनी चाहिए, क्योंकि तुम रूहानी सर्जन हो, हर रग देखने की भी समझ चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आजकल दुनिया में गंदे तो बहुत हैं, किसको भी छोड़ते नहीं है, सामान चोरी कर देते हैं, खून कर देते हैं, बहुत बच्चों की इन बातों को देख करके दिल होती है कि हम जल्दी जावे, अपनी राजधानी में पहुंचे, परंतु बाप कहते हैं अभी पूरा काम हुआ कहां है, इतने अर्जुन बने कहां हैं जो राजधानी स्थापन हो जावे है? कितने बनने हैं राजधानी में है? राजधानी स्थापन होने में कितने बच्चे बनने हैं और कैसे बच्चे बनने हैं? अरे सवा दो लाख प्लस 4.5 लाख, 4.5 लाख से राजधानी स्थापन होगी, 4.5 लाख को बाप के बच्चे कहेंगे? वो सारी दुनिया की बीज रूप आत्माएं हैं कि जो राजधानी पहले पहले स्थापन होगी उसकी बीज रूप आत्माएं हैं, जो पहले पहले राजधानी स्थापन होनी है वो एकदम कंप्लीट आत्माएं होंगी या अधूरे पुरुषार्थ वाली होंगी? एकदम कंप्लीट पुरुषार्थी चाहिए नई राजधानी में, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही चाहिए। राजधानी स्थापन होगी तो आधे चंद्रवंशी और आधे सूर्यवंशी होंगे, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो वृद्धि की शुरुआत कहां से होगी, कितनों से होगी? 8 से होनी चाहिए, 8 भी ऐसे जो धर्मराज की सजाएं न खावे। वो और धर्म वाले तो देखो एक ही भाषण से कितने बौद्धि बना लेते हैं, यहां तो ऐसी बात ही नहीं है, यहां तो एक एक के साथ मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी होती है मनुष्य को देवता बनाने में, और यहां तो पिछाड़ी का खून ही नहा खेल कितना खौफनाक है। तुम बच्चों को तो बाबा आपस में बहलाते रहेंगे, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे फलाना राजा बनेगा, बहुत खुशी में रहेंगे। जो कच्चे होंगे वो हाय हाय करते रहेंगे, बहुत दुखों का समय आवेगा, और तुम फरिश्ते बनकर के मौज करते रहेंगे। ये भी जानते हो कि जो आसुरी संप्रदाय हैं वो मच्छरों सदृश मरते रहेंगे, उस समय के लिए अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए जो हम ठहर सके। महाकाल के तुम बच्चे हो,
अकाल मूर्त बच्चे हो, ऐसी तुम्हारी मूर्त बन जानी चाहिए जो काल तुम्हें खा न सके। तुम स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाले बने, ये तुम्हारा अकाल तख्त है। शरीर में निवास कर वर्षा देते हैं। मनुष्य ऐसे नहीं कहते कृष्ण के तन में भगवान, तो कृष्ण भगवान वाच हुआ। यहां तो शिव भगवान वाच है, दूसरी कोई बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान में कोई चलते हो लेकिन बाप के घर में जाकर जन्म लिया बाद में जाके, तो बाप का वर्षा पहले मिल सकता है? जब बाप के घर में जन्म लेंगे तभी तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। जन्म कब लेते हैं? गर्भ में जाने से पहले जन्म ले लेते हैं। बाबा जो इसने क्वेश्चन अभी पुट किया, वही क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, वो बच्चा वर्ग में ही आएंगे के? अरे भट्टी करेंगे तभी तो बाप के बच्चे बनेंगे। फिर 9 दिन की भट्टी ही नहीं की, गर्भ में ही नहीं गए तो बाप के बच्चे के बनने लायक कहाँ बने? और तो बाबा से पहले जो पुरुषार्थ किया वो सब वेस्ट है भट्टी करने से पहले? आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है? आपने कैसे ठप्पा लगा दिया? नहीं, जो इसी जन्म में अगर किया आप अगर मगर कैसे, आपको कैसे पता चला कि वो पूर्व जन्म में थे या नहीं? वो तो जब चलेंगे ज्ञान में, अगर तीखे चलते हैं तो पहले जन्म में थे। एडवांस की बातों को ज्यादा कैच करते हैं इसका मतलब थे, नहीं कैच करते हैं तो नहीं थे। नहीं बाबा, जैसे कोई आत्मा 10 साल से चल रही है ज्ञान में, हाँ, लेकिन भट्टी नहीं की है, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद करती है। हाँ, तो फिर इतना लेट क्यों हुआ? अगर तुमको निश्चय हो गया तो बाप से मिले बगैर कैसे रह गए? बांदेली माता है भी, घर से परमिशन नहीं मिलती। हाँ, तो क्या हुआ? घर से परमिशन नहीं मिलती तो बाबा परमिशन दे देते हैं। जो रेगुलर क्लास करते हैं उन बांदेली माताओं को परमिशन नहीं देते? देते हैं। और अगर हम क्लास में, क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आ जाएं, तो साइन रजिस्टर में 5 मिनट पहले से टाइम लिख सकते हैं क्या, या क्लास टाइम का ही टाइम लिखना है? 5 मिनट पहले तो आना अच्छा है ना, हाँ? लिख सकते हैं, इससे ज्यादा साबित होता है कि ये ज्यादा ध्यान देता है क्लास के ऊपर। पंक्चुअलिटी के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान देता है तो अच्छी बात है ना, तो ये प्रूफ है। 5 मिनट पहले, ये नहीं कि आधी रात में आगे बैठ जाओ। है? एक घंटा पहले क्यों आना? 5-10 मिनट पहले। मैंने घर वालों को काम नहीं करने देना, गीता पाठशाला के इंचार्ज को? तुम्हारी रखवाली कौन करेगा? तुम आकर के क्या लफड़ा कर रहे हो? पांच मिनट तक तो ठीक है, 5-10 मिनट पहले कोई आते हैं अच्छी बात है, आके बैठो, क्लास का वातावरण बनाओ, दूसरे लोगों से पहले नंबर ले लो। बाबा अगर गाड़ी उड़ी लेट हो गया बाद में, अगर हम टाइम से चले सोच के कि इतने टाइम पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट पहले, हाँ। अगर गाड़ी अगर लेट हो गया तो फिर गाड़ी छूट गया तो फिर हम फिर फंस गए गाड़ी। गाड़ी लेट हो गई यानी कि अगर गाड़ी, हाँ। हमारा दो गाड़ी चेंज करके आना पड़ रहा है, हाँ। और बाबा हम आने में अगर 5 मिनट पहले वो गाड़ी निकल गया तो हमारा बाबा क्लास हो जाएगा। तुम्हारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब ही ऐसा है तो बाबा, इससे जो तुम्हारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है उसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो इससे पहले हम आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे वो अच्छा है ना बाबा? तो आधा घंटा पहले बाहर घूमो। वो बात
भाइयों के साथ रहना। और किसके साथ रहते? तुम आत्मा 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 भाई भाई हमेशा ही। कन्या माता ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, तुमने बैलों का काम क्यों किया ज्यादा है? ज्ञान और योग गुप्त कहते हैं ना, ज्ञान और योग है। ज्ञान गुप्त कैसे रहेगा? ज्ञान गुप्त ऐसे है कि दूसरों के सामने बखान मत करो, हमने उनको ऐसा सुनाया, ये बात सुनाई, वो बात सुनाई, तब ऐसा हुआ, वैसा हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। अपना बखान अपने आप करना माना ज्ञान को प्रत्यक्ष करना। बाबा एक बूढ़ी माता है, टिकी हुई है, तो वो आना चाहती है, क्लास नहीं करती है। आना चाहती है आपसे मिलने के लिए, तो उनको लाएं या नहीं लाएं? वो बूढ़ी माता यहाँ कैसे आ सकती है जब वो बूढ़ी है? तो वो कहती है गड्डी में बैठ के तो चली जाऊंगी, क्लास दूर है। तो क्लास में भी गड्डी में बैठ के चली जाए है? क्यों यहाँ कैसे आ जाएगी गड्डी में बैठ? तो बाबा से मिलने जाऊंगी। मेरे को ले चलो बाबा से मिला। हाँ तुम रोज ले आया करो क्लास में। क्लास में नहीं आती वो है? क्लास में कहती मेरे से चला नहीं जाता इतनी दूर। यहाँ कैसे चला जाएगा? जैसे यहाँ चला जाएगा वैसे वहाँ भी बूढ़ों के लिए थोड़ा थोड़ा प्रेफरेंस दे दिया जाएगा कि भाई 15 दिन में एक बार आ जाओ। सिर उनका लाना है और क्या। हाँ जी बाबा, है? राधा को शादीशुदा बताया गया ना? राधा को शादीशुदा बताया गया? तो इसका क्या यहाँ पर मतलब कैसे तो कहा गया ना कि वरुण शंभु ने। तुम सब द्रौपदियाँ हो कि नहीं? तो राधा जब एडवांस में आएगी तो उसके लिए ये बात लागू होगी कि नहीं कि तुम सब द्रौपदियाँ हो? है होगी ना, वो द्रौपदी की लिस्ट में होगी या नहीं होगी? होगी। तो द्रौपदियों के कितने पति होते हैं? 5 पति होते हैं। तो बाबा तो कहते हैं यहाँ 5 पति तो होते नहीं। पति का मतलब क्या है? रक्षक। माने जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं जब उनको सेंटरों पर भेजा जाता है तो उनकी रक्षा करने के लिए कोई तो उनको ले जाता है कि नहीं ले जाता है? तो वो ही पति है। शादीशुदा तो पहले से ही है। बाबा जी एक बार मुरली में बोले थे बाबा ने, आधी पुण्य आत्मा बचेगी और आधी पाप। तो रानियां कितनी आधी हैं कि राजा ज्यादा हैं? आधी रानियां आधे राजा हैं या नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में आधी रानियां और आधे राजाएं हैं या नहीं है? हैं? तो जब नई दुनिया बनेगी तो राजा रानियां इकट्ठे हो जाएंगे या अलग अलग रहेंगे? हैं? इकट्ठे हो जाएंगे ना, रुद्रमाला विजयमाला। तो इकट्ठे होने से पहले जो नजारा होगा दुनिया का, उसमें जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं वो स्वर्गीय संगठन में पहले पहुंचेंगी या अपवित्र रहने वाले राजाएं भी पहले पहुंच जाएंगे? पवित्र रहने वाली आत्माएं पहले विजयमाला के संगठन में पहुंच जाएंगे, वो स्वर्ग का अनुभव प्रैक्टिकल में करेंगे और बाकी को कहेंगे तुम दुनिया में घूमो सेवा करो। विदेशियों विधर्मियों की सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ। आधे रुद्रमाला के और आधे विजयमाला के। बाबा प्योरिटी जो है सिर्फ शरीर की जरूरी है या मन बुद्धि मन वचन कर्म से जरूरी है?
मन बुद्धि से तुम्हें वर्षा भी मिल जाएगा, वो भी जरूरी है। तुम्हें वर्षा जो मिलेगा ना वो मन बुद्धि का मिल जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। ऐसे ही नहीं पूछना चाह रहा हूं बाबा। तो वही तो जवाब दे रहे, बाबा भी यही जवाब देते हैं, तुम्हें मन बुद्धि का वर्षा चाहिए या प्रैक्टिकल का वर्षा चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ब्रह्म कुमारी के अंदर अपने सेंटर पे भी ऐसा है कि मन बुद्धि से वो कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं होता कि ये ऐसा प्योर काम कर रहे हैं, ऐसा प्योर काम कर, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कौन? ब्रह्म कुमारी के अंदर जो अपने ही पहने हैं। क्या बड़ा काम कर रहे हैं? मीन्स अभी ऐसा लगा, ऐसा पता लगा कि एक बहन के खाते में 30 लाख रुपए हैं, और मतलब प्योरिटी जो है शरीर से तो पवित्र रहते हैं। 30 लाख रुपए हैं शरीर से, के अंदर यही चलता रहता है कि आज इधर से आए आज उधर से आए, तो फिर क्या यह पवित्र संकल्प नहीं है? इधर से आए उधर से आए, घूमना फिरना पवित्र संकल्प हो गया? नहीं नहीं बाबा, पैसे पैसे की मांग करते हैं ना जैसे। हाँ, पैसे की मांग करते हैं और उसके लिए कुछ झूठ भी बोलते हैं। मांगना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है बाबा, पवित्रता तो नहीं है ना बाबा। ये मांगने वाले पवित्र होते हैं? नहीं, पवित्र तो नहीं होते बाबा। सन्यासियों का मिसाल बाबा ने दिया, सन्यासी पहले पवित्र रहते थे, जंगल में रहते थे, जंगल में राजा है महाराजा है उनको खाना पहुंचा देते थे, तो प्योरिटी की पावर थी या भीख मांगना पड़ना था? आज के सन्यासी भीख मांग रहे हैं, तो शूटिंग कहाँ हो रही है? वो अपवित्र हैं या पवित्र हैं? बाबा जब ऐसे संकल्प कर रहे हैं वो कैसे संकल्प कर रहे हैं? मतलब मांगने की उनकी इच्छा है, वो मांगने की इच्छा है, तो अपवित्र हैं या पवित्र हैं? कैसे किसी दोगुने शरीर से भी पवित्र है? कैसे किसी दोगुने शरीर से भी पवित्र है जब वो मन वचन कर्म से ऐसा ही? भीख मांगना पवित्र कर्म है? नहीं बाबा। फिर बाबा इसके कहने का मतलब है कि अब हो सकता है वो तन से ही पवित्र ना हो, ऐसे दिखता है। हमें ये फालतू का संकल्प करने की क्या दरकार, हम पर चिंतन क्यों करें? वो तो परिचिंतन करते ही है, इनका जो शंकर जी है वो ऐसा है वैसा है, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ये परिचिंतन है या स्वचिंतन है? परिचिंतन। और हम भी वैसा ही करने लगे, हमें क्या मतलब है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? जैसे बात है रानियां पवित्र रहती हैं। अरे वहाँ एक प्रकार के थोड़े ही है, वहाँ चंद्रवंशी भी है पवित्र रहने वाले, ठंडे दिमाग के भी है, ठंडी इंद्रियों वाले भी हैं, और वहाँ गर्म इंद्रियों वाले भी हैं, जो अपनी इंद्रियों की भड़ास निकाले बगैर रह नहीं सकते, वो अपवित्र उनको होना ही होना है। ऐसे ग्रुप भी हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन ग्रुप भी हैं, सब तरह के हैं वहाँ, सूर्यवंशी नहीं है, सूर्यवंशी सारे इधर आ गए एडवांस में। ऐसा है बाबा, इनके साथ में कोई जो है ना बीके की आत्मा गई थी वापस सेंटर पे। अरे तो तुम ही बातें कर लो ना। हाँ बोलो। है? हाँ, इनके साथ में कोई बीके की आत्मा गई थी सेंटर पे, तो उन्होंने उनको बहन को बोल दिया कि मैं आपको जो है ना 5,000 रुपए दूंगा, या मतलब 50,000 रुपए दूंगा। हाँ, लेकिन उस वो जो है अगले दिन 2-4 दिन आया नहीं। अब दूसरा भाई है उसको बोल दिया है कि उन्होंने 50,000 बोला, तो वो नहीं दे सकते तुम्हारे को देने पड़ेंगे। वो नहीं दे सकते तुम्हारे देने पड़ेंगे? अगर वो नहीं दे सकते तो अब तुम्हारे को देने पड़ेंगे, तुम दो ये पैसे। देने पड़ेंगे माने डकैती है? तो चोरों से बढ़कर के डकैती ज्यादा अच्छी बात है या चोरी ज्यादा अच्छी बात है? अरे चोर ज्यादा अच्छा है या डकैत ज्यादा अच्छा है? चोर बनना तो फिर भी कम सजा है, चोर बनने के साथ साथ सीना जोरी करना ऐसा करना पड़ेगा, तो ये तो डकैती हो गई। फिर अगर नहीं मानेंगे तो इस समय ब्रह्म कुमारी से बहुत मर्तबा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? और तुम्हारा मर्तबा छीन लेंगे। चलो ये दूसरा क्या करता है वो हमें नहीं देखना, हम अपनी रेखा लंबी करके दिखा दें समाज में। हाँ जी बाबा,
ये हरियाणा में रोहतक शहर है एक, उसमें ना मतलब बीके वालों का सेंटर है एक, तो उस पर पहले लिख रखा था सफेद अक्षरों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय। लेकिन जब ये 8 सवाल निकले ना बाबा, उन 8 सवालों के बाद उन्होंने ब्रह्मा बाबा का तस्वीर रंगीन उसमें छुपवा के और सीढ़ी का चित्र साथ में लगवा कर सिर्फ लिख दिया ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय, ऊपर जापिता भी हटा दिया उन्होंने। बाबा आज सबको यहाँ रखना है क्या? है? क्या हुआ है? यही रखना माने 3 घंटे हो गए क्लास के, हम तो घड़ी देखते जा रहे हैं आपकी वजह से, आपको ज्यादा टाइम ना हो जाए। आप हैं क्लास में जब आए थे तो 15 मिनट लेट आए थे, 1 बजने के बाद 15 मिनट हो गए हैं तब आए थे यहाँ, तो हम 15 मिनट पूरा करेंगे कि नहीं? हम कहाँ चाहते हैं हम आपको यहीं घर में रख लें, घर नहीं जाने दें। दिखाया है शास्त्रों में कि शशिरैन है, क्या नाम दिया, शशिरैन और रंभा से कालयवन का जन्म हुआ, तो रंभा तो हुई जगदम्बा, ये शशिरैन कौन है? जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? सिर्फ सूर्य की जो वंशज है उनकी तो रंभा नहीं, अम्बा नहीं है, है सारे जगत की है, तो इस्लामियों की भी अम्बा होगी कि नहीं? तो इस्लामियों का बाप कोई इस्लामी होगा या सूर्य होगा? तो यही बात है यहाँ पर, शशिरैन किसके घर में रहन, शशि माने चंद्रमा के घर में कौन रहते हैं, और चंद्रमा किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है, ब्रह्मा बाबा माने कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, है? क्रिश्चियंस जो हैं, वो घर में किसे पालते हैं? कुत्ते को पालते हैं, तो ब्रह्मा की सोल कृष्ण ने भी ब्राह्मणों के पुरुषार्थी जीवन में कुत्ते को पाला होगा कि नहीं आदि से अंत तक, है? तो जिसके घर में कुत्ता पलता है शशिरैन, शशि माने चंद्रमा, तो उससे शादी की होगी जगदम्बा ने, क्या कुत्ता देखता है कि ये हमारी अम्मा है कि हमारी बहन है कि ये हमारी बेटी है? देखता है? नहीं देखता। तो जगदम्बा का तो पाठ सारे जगत की अम्बा है, न कि सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है, सारे जगत की अम्बा, माने कोई इस्लामी है उसको भी पति बना लिया, उससे भी बच्चे पैदा किए, कोई क्रिश्चियन है उससे भी बच्चे पैदा किए, तो सारे जगत से कनेक्शन है या सिर्फ एक से ही कनेक्शन है? है सारे जगत से कनेक्शन, सारे जगत के बच्चे उसके बच्चे हैं कि सूर्यवंशी ही बच्चे हैं? और भारत माता सब भारतीय ही बच्चे हैं, भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सिर्फ ज्ञान की रोशनी में ही जन्म जन्मांतर लगा रहने वाली आत्मा है उसके बच्चे वो है भारतवासी। तो शशिरैन अलग है और सूर्य, सूर्य अलग है, और ये तिलोत्तमा किसका पार्ट है?
तिलोत्तमा किसका नाम था? अरे पंजाबियों में किसी को नहीं मालूम है? पंजाबी शास्त्रों से हमारा क्या लेने देना है? तो हिंदी की बात हो तो बताए है। तिलोत्तमा सुना है? सुना तो है। सुलोचना बात अलग, यहाँ तिलोत्तमा की बात है। तिलोत्तमा नाम सुना है लेकिन है कौन है? ऐसे नहीं पता बाबा, नाम तो सुना है। तिलोत्तमा तिल तिल करके जो उत्तम बनती है, तिल तिल पुरुषार्थ करती है, धीरे धीरे पुरुषार्थ करती है, फिर उत्तम बनती है। क्या तिल तिल करके उत्तम पतने वाली जो है वो तिल उत्तम है। तो किसका पार्ट है? एकदम हाई जंप नहीं लगाती। हाँ जी जगदम्बा। और बाबा जब एक बार एटम बम छोड़ा गया तो हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंस हो गया, मतलब उनका विनाश हो गया, तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? हीरो की क्षमा कौन है? हीरो की रोशनी, चारों तरफ हीरे हैं, बीच में लौ जल रही है। अंगूठी में क्या होता है? चारों तरफ हीरे जड़े होते हैं या रतन जड़े होते हैं और बीच में हीरा लगा होता है, जैसे कि लौ जल रही है, तो वो हो गया हीरो क्षमा, उसका विनाश हो गया। तो 42 में जाके कहीं दूसरी जगह जन्म लिया होगा। नागासाकी का मतलब है नाग कौन है? है नाग कौन है? कौन से धर्म वाले नाग हैं? जैसे नाग कामी होता है, इस तरह के कामी कौन है? इस्लामी। तो जल मरे। और बाबा नीचे बाबा जो शांति ना नहीं मानते, जो नहीं मानते, हाँ क्या नहीं मानते? शांति ना जो नहीं मानते विश्राम से, कौन से धर्म की आत्मा? नहीं मानते तो आगे चल के मानने लगे जी, सारी दुनिया को मानना ही है। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी या नहीं बोलेगी? तो नहीं मानते, आज नहीं मानते, कल मानेंगे। बाबा ने बोला है कि बाबा की याद ऐसी हो जो कोई भुलाना चाहे तो भी न भूले। तो बाबा, कोई को बाबा की याद आएगी तो वो क्या भुलाना चाहेगा? हाँ, माया कोई न कोई रूप धारण करके आएगी और उसको भुला देती है। कौन सा रूप धारण करके आएगी? 63 जन्मों में जिनके जिनके साथ जो संयोग जोड़ा है वो ही आत्माएं आकर के इंटरफेयर कर देती है। कहीं व्यक्ति इंटरफेयर करता है, कहीं संबंधी इंटरफेयर करते हैं, कहीं पदार्थ इंटरफेयर कर देते हैं। तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है जो लेने के लिए आ जाते हैं और बाबा की याद बुला देते हैं। तो ऐसी याद कैसे संभव है? ऐसे ही संभव है कि 63 जन्म के जो हिसाब किताब हैं, याद से भस्म होते 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 कभी तो भस्म होंगे कि नहीं होंगे? जब भस्म हो जाएंगे तो ये सब की याद आना बंद हो जाएगी। जो इंटरफियर करने वाले हैं 63 जन्म के, उनकी याद आना बंद हो जाएगी, उनसे हमारा बुद्धि का कनेक्शन टूट जाएगा, तभी बाबा की याद निरंतर स्थायी हो जाएगी। ओम शांति।
Thank you.